हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लॉरियल इनोवा परमानेंट हेयर कलर के ऊपर है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हेयर कलर को कैसे करना चाहिए, तो हमें क्या क्या इस हेयर कलर करने के लिए चीज़ें चाहिए होती है इसके बारे में आपको बता दूँ। इसके लिए हमें इनोवा हेयर कलर की नीड रहती है और 20 वॉल्यूम की, एक बाउल की, ब्रशेस की, कॉम की और ब्रश की नीड रहती है। तो ये सब सामान हमारे पास होना चाहिए और ग्लव्स भी चाहिए हमको। सबसे पहले हम लोग ग्लव्स को कैरी कर लेंगे ताकि हमारे हाथ ख़राब ना हो। तो जो हमारी क्लाइंट हैं उनके ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए हम लोग 2 नंबर कलर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो हेयर कलर हैं वो डार्केस्ट ब्राउन हो जाएं और ज़्यादा ब्लैक भी ना हो। तो इस तरह के हेयर कलर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम लोग इनोवा के 2 नंबर कलर का यूज़ करेंगे विथ 20 वॉल्यूम। इस तरीके से हम ट्यूब को ले लेंगे और इसके पीछे एक मार्क होता है जिससे हम ट्यूब को खोलते हैं। तो ये हमारी ट्यूब खुली हुई है, तो इसको हम लोग बाउल में डालेंगे। इसका रेशियो रहता है, जितनी आपकी ट्यूब आप लेंगे उतना ही आपको वॉल्यूम इसमें डालना है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल रहती है। तो 20 वॉल्यूम हम लोग इनोवा का यूज़ कर रहे हैं। ये थिक वॉल्यूम होता है, जैसे ट्यूब थिक होती है वैसे ही ये होता है, तो आपको रेशियो को मेजरमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग कलर को। कलर लगाने से पहले मैंने क्लाइंट के हेड वॉश करा दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने कंडीशनर सीरम वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ। अब हम लोग पहले सेंटर पार्टिंग करके दोनों साइड कलर की एप्लीकेशन करेंगे। रूट के पास बिल्कुल कलर लगा सकते हैं आराम से, स्कैल्प पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बालों को पीछे करके जितने भी ग्रे हेयर फ्रंट पर हैं उन सब पर हम लोग कलर की एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपको लगता है कलर थोड़ा बाहर की साइड आ गया तो हम लोग उसको रिमूव करना भी आपको बताएंगे। इस तरीके से ब्रश की हेल्प से हम लोगों ने फ्रंट पर और सेंटर पार्टिंग में कलर लगा लिया है। अब हम लोग ईयर टू ईयर पार्टिंग कर रहे हैं और जो पार्टिंग शो हो रही है उस पर हम लोग कलर की एप्लीकेशन करेंगे पहले। राइट और लेफ्ट दोनों साइड हम लोग कलर की एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से। ग्रे हेयर जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोगों को बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और सबसे पहले हम लोग रूट पे टचअप कर देंगे। तो सब तरफ लगाने के बाद अब हम लोग जो फ्रंट के हेयर हैं उसके छोटे छोटे सेक्शन लेना शुरू करेंगे। पहले पूरे अच्छे से हम लोग कलर को सब तरफ से लगा देंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड हम लोग कलर को लगाएंगे, रूट पर अच्छे से छोटे छोटे बिल्कुल छोटे सेक्शन लेके लगाएंगे, ताकि जितनी भी ग्रे कलर है बालों में उसकी कवरेज अच्छे से हो जाए। अभी हम लोग केवल रूट टचअप कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इस कलर की एप्लीकेशन लेंथ पर भी करेंगे, ताकि जो बालों का अनइवन कलर हो रहा है वो एक सा हो जाए। अच्छे से कॉम कर देंगे ताकि जो कलर है वो हर जगह चला जाए रूट से। फ्रंट करने के बाद इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग बैक से भी रूट टचअप करेंगे। छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे ताकि पूरी ग्रे कवरेज हमारी हो जाए, डार्क कलर आ जाए हमारे ग्रे हेयर्स के ऊपर। अच्छे से हम लोग
छोटे छोटे सेक्शन लेके अप और डाउन में दोनों साइड कलर की एप्लीकेशन करेंगे। और जब पूरे बालों में रूट टचअप हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इस कलर की एप्लीकेशन लेंथ पे करना स्टार्ट करेंगे। अब फिर से हमने वो सेक्शंस निकाले जो हमने पहले लिए थे, और अब हम लोग इसको लेंथ पर एप्लीकेशन करेंगे ताकि सारे बालों का कलर हमारा एक सा हो जाए। थोड़े सा मल्सीफाई करेंगे अच्छे से, कलर का यूज़ लिमिटेड ही करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कलर नहीं लगाना, जितने कलर की नीड हो उतना ही कलर यूज़ करें। मल्सीफाई अच्छे से करें ताकि कलर बहुत अच्छे से सब बालों में लग जाए। कॉम से सेट कर देंगे ताकि कलर है वो सब जगह चला जाए। इसी तरीके से बैक साइड में भी अब हम लोग लेंथ पर कलर की एप्लीकेशन कर रहे हैं और कॉम से इसको एक सा करते जा रहे हैं ताकि कलर हर जगह जाए बाल के। ये कलर जो है इनोवा का हमारा, ये लेंथ पर अपने 6 मंथ तक चलता है। इसे परमानेंट हेयर कलर कहा जाता है और ये लेंथ पर हमारे 6 मंथ तक रहता है। बट रूट का क्या होता है कि ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रूट पे हमको टचअप 20 to 25 days के बाद करना पड़ता है। तो हम एक बार पूरे बालों में लगवा के आफ्टर 6 मंथ हम लोग इसको फिर से पूरे बालों में लगाएं, तब तक रूट टचअप हम लोग करते रहें। जब भी आपको नीड हो 1 मंथ के बाद, तो आप एक बार हल्का हल्का रूट टचअप करवा लीजिएगा। ये अमोनिया फ्री कलर होते हैं तो हमारे बालों को कोई नुकसान नहीं करते, हेयर फॉल वगैरह भी इन कलर से नहीं होता। अच्छा ब्रांड है तो जब भी हम लोग कलर बालों में हमें ज़रूरत पड़े कि हमें करवाना ही है, तो हम किसी अच्छे ब्रांड का ही चूज़ करें। तो हम लोग को जो है लॉन्ग टाइम से हम लोग इनोवा हेयर कलर का यूज़ करते हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप भी इस कलर को ट्राई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती, किसी तरह की इचिंग नहीं होती इसको लगाने के बाद। अब हल्के हल्के हाथ से बालों को पीछे की साइड ले लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारे पूरे बालों में कलर अच्छे से लग गया कि नहीं। अगर हमारा कलर हमारे स्कैल्प के पास जैसे ईयर्स के पास लग गया या फोरहेड पे लग गया, तो हम लोग उसे टोनर या एस्ट्रीजेंट लेके उसको रिमूव कर देंगे। इसका कलर का टाइम 35 मिनट का है, इसे 35 मिनट हमें लगाकर रखना है। आप चाहे तो शावर कैप लगा दीजिए और 35 मिनट के बाद हम लोग क्लाइंट के बालों में थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से कलर को इमल्सीफाई करेंगे और 5 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग ये वर्क 30 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे तब कर देंगे, कि 35 मिनट पे हमको रिमूव करना होता है, इसलिए 5 मिनट हम लोग कलर को अच्छे से इमल्सीफाई करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए शैम्पू स्टेशन पर। आप चाहें तो बालों में शैम्पू भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर चाहें, कोई क्लाइंट नहीं चाहता कि हमें शैम्पू करना, तो छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग हेयर से कलर को अच्छे से निकालेंगे आफ्टर 5 मिनट। हमारा फुल प्रोसेस 35 मिनट का रहेगा।
अगर हम शैम्पू वॉश कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्कैल्प से भी कलर जो है अच्छे से निकल जाता है। तो एक बार मैं रागा ब्रांड का शैम्पू बालों में कर रही हूँ ताकि जो स्कैल्प पे कलर लगा है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाए। तो अच्छे से स्कैल्प मसाज करेंगे, ऐसा नहीं है कि बालों से कलर हट जाएगा। तो कोई अगर डाउट हो इसको लेके कि शैम्पू करना चाहिए कि नहीं, तो ये आपकी इच्छा है, कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अच्छे से रिंस करेंगे बालों को। इसके बाद हम लोग रागा ब्रांड का कंडीशनर भी इनके बालों पे अप्लाई कर रहे हैं और मसाज करके चाहें तो 5 मिनट छोड़ दें और चाहें तो थोड़ा सा बालों को टैंगल फ्री होते ही कंडीशनर को रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर वॉश हम लोग बालों में वेट हेयर्स पे सीरम की एप्लीकेशन करेंगे। सीरम आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सीरम और कंडीशनर करने से हमारे बाल ऑलरेडी टैंगल फ्री हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है हमारे बालों के टूटने का डर नहीं होता। तो आप हर वॉश में कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं और सीरम का यूज़ कर सकते हैं। बस कंडीशनर और सीरम को हम लोग लेंथ पर लगाएंगे, स्कैल्प पे नहीं लगाना। अब देखिए कितने अच्छे से बालों में फुल कवरेज हो गई हुई है कलर की। अब बालों में हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारा कलर कंप्लीट हुआ। अब आप बालों का लुक देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। See the